नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, राजधानी पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगलवार की देर शाम खूब हंगामा हुआ है। ये हंगामा यात्रियों के द्वारा किया गया है और इस जबरदस्त हंगामे के पीछे का कारण जो है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये भी बता दें कि राजधानी पटना एयरपोर्ट से कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि विमानों में खराबी की वजह से, तकनीकी खराबी की वजह से या तो उन्हें लैंड कराया गया है, इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, या फिर उसको डिले कर दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। लेकिन मंगलवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा, यात्री चिल्लाने लगे और सभी के सभी उग्र हो गए थे। मामला अब हम आपको बताते हैं। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार की शाम एयरपोर्ट पर हंगामा तो हुआ है। हंगामा करने वाले गुवाहाटी जाने वाले यात्री थे। दरअसल पटना से गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कारण ये था कि यात्रियों को पहले विमान में बैठाया गया और जब विमान उड़ने ही वाला था तो पता चला कि इसमें तकनीकी खराबी आ गई है। पटना एयरपोर्ट के लिए ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी कई तरह की ऐसी खबरें आती रही हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। इस बार यात्रियों का गुस्सा फूटा है। यात्रियों को प्रबंधन की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि इसे ठीक करने के बाद ही ये विमान उड़ाया जा सकेगा। विमान में बैठे 66 यात्रियों को विमान से उतारकर उन्हें सिक्योरिटी होल्ड एरिया में लाकर बैठाया गया। काफी इंतजार करने के बाद देर रात तक विमान की खराबी दूर नहीं होने पर इसे ग्राउंडेड किए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद यात्रियों ने वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा किया और तमाम यात्री ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जब आपको पता था कि ये विमान नहीं ठीक हो पाएगी, इसकी तकनीकी खराबी इस कदर बढ़ गई है कि ये उड़ान नहीं भर सकेगी, तो आपको इसका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। अब ये यात्री इस बात को लेकर हंगामा कर रहे थे कि हम जाने वाले थे, कई सारे काम थे हमारे, गुवाहाटी को कुछ लोग जाने वाले थे, कुछ लोग अन्य शहरों को वहीं कलकत्ता में जाने वाले थे, तो ऐसे में तमाम लोगों ने जमकर हंगामा और कहा कि आपको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए कैसे यात्रियों से पल्ला झाड़ा जा सकता है आपके द्वारा। अब ऐसे में अब जानकारी के अनुसार फ्लाइबिक के FLG 219-220 गुवाहाटी पटना गुवाहाटी विमान मंगलवार को अपने सही समय 5:45 शाम को पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। इस विमान को 6:15 पर वापस गुवाहाटी पर लौटना था। पटना एयरपोर्ट से इस विमान से 66 यात्रियों को गुवाहाटी की यात्रा करनी थी। विमान को नियत समय पर टेक ऑफ करना था, लेकिन बीच में ये खबर आती है कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है जिस वजह से यह विमान नहीं उड़ सकेगा, जिस वजह से इसके उड़ान में देरी हो सकती है, जिसके बाद यात्रियों को इंतजार करना पड़ा। 3-4 घंटे यात्री बैठे रहे। जब रात हो गई तो उनका हंगामा शुरू हो गया और वे कहने लगे कि वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई एयरपोर्ट प्रबंधन के द्वारा। देखिए, इसके बाद विमान में बैठे सारे यात्रियों को उतरने को कहा गया था। विमान उड़ान भरने में देर कर सकेगी ये प्रबंधन के द्वारा कहा गया, लेकिन 3 घंटे तक विमान ठीक नहीं होने पर यात्रियों के का हंगामा शुरू हो गया। 4 घंटे बाद यात्रियों को बताया गया कि विमान में आई तकनीकी खराबी को दूर नहीं किया जा सका है। विमान को ग्राउंडेड किए जाने की घोषणा की गई, जिसके बाद यात्री उग्र हो गए और उन्होंने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। और ये हंगामा इसलिए किया जा रहा था कि यात्रियों के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था गुवाहाटी जाने के लिए नहीं की गई थी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।